ये देखिए आईडी कार्ड पे ये बंदे की एक तस्वीर होती है, आप देख रहे हो गए मेरी आईडी कार्ड पे दो दो तस्वीरें है, ये प्यार है उसके साथ। यार ये क्या, बस ये एक मोहब्बत है, ये हर किसी के साथ नहीं होती, बस एक ही बंदे के साथ होती जो है वो खान है। यार ये मैं इसको क्या कहूँ, ये आप इसको प्यार के जो मर्जी के जुनून के, बस ये खान साहब के साथ ही है। ये देखें जी आईडी कार्ड पे दो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर खान साहब की, एक आपकी अपनी, एक हमारे खान साहब। ये आईडी कार्ड इस तरह आपका वो खराब, लोग सवाल करेंगे खराब हो जाएगा, टेक्निकली इस पे फॉल्ट आ जाएगा। नहीं ऐसा अल्लाह ना करे फॉल्ट आए, ये हमें इसने हमें शनाख्त दी है, इस बंदे की वजह से हमें यहाँ पर इज्जत मिली है और ये इसके लिए जान भी कुर्बान है। यार अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं, खत्म हो गए, अल्फाज खत्म है इस बंदे। आईडी कार्ड पे खान, आईडी कार्ड पे खान है बस, अपनी तस्वीर हो या ना हो इस बंदे की तस्वीर होनी चाहिए। इतना जुनून तो इसके बैनर हटा दिए गए हैं, जब इंतखाबात आ रहे थे सारा कुछ आ रहे इनके बैनर लगा, लेकिन इसकी तस्वीर आवाम के दिलों से नहीं निकाल पाए। ये आप मेरे दिल के ऊपर हाथ रख सकते हैं, आपको मेरे वो जज्बात का आपको एहसास खुद ही हो जाएगा। और तेरा तो दिल 101 की स्पीड पे चल रहा है, बस ये खान के साथ मोहब्बत है, कसम खुदा की तेज चल रहा है, धक 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 धक, ये खान की वजह से हो गया, खान की वजह से हो रहा है। और खुदा के बंदे मैं क्या कहूँ अब तुझे, इतनी मोहब्बत क्यों खान से? बस इस कौम को, इस जो आवाम है ना, सही जो सी बात है, वो ये चोरों का साथ दे रही है, अभी भी दे रही है। ये आप ये जो रमज़ान पैकेज लोगों ने निकाला है, आवाम ऐसे जलील हो रही है, ऐसे जलील हो रही है, आप यकीन माने आपको इन चीज़ों का पता है, लेकिन आप भी मजबूर है, आप वो चीज़ दिखा नहीं, आईडी कार्ड निकाल, असल चीज़ दिखा नहीं सकते। नहीं हम दिखा, मैंने किया, मैंने प्रोग्राम किया, मरियम नवाज साहबा ने नोटिस लिया था जहाँ जहाँ फ्लॉज थे, भाई मैं बता रहा हूँ मैंने प्रोग्राम किया, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मैंने कहा ये आम आदमी माए बहने बेटियाँ सड़कों में बेतकीर हो रही है, मरियम नवाज साहबा ने उस पर नोटिस लिया, ये मैं इतनी बड़ी बात ऑन ये रिकॉर्डेड कह रहा हूँ कि उन्होंने उधर से, बल्कि उसने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को, उन्होंने कहा कि इस तरह, लेकिन आगे बेहतर हुआ नहीं हुआ, अल्लाह नोज दी बेस्ट। ये जरा आईडी कार्ड निकाले, ये कब से लगाई ये तस्वीर? ये आम बात नहीं है, ये मेरी जिंदगी का पहला ये एक्सपीरियंस है, कब से लगाई ये तस्वीर? ये इंतखाबात से पहले लगाई है तस्वीर। तो कहीं जाते हो वहाँ लोग आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं तो ऐसे दिखा देते हो खान की तस्वीर के साथ? दिखा देते, इसमें क्या, तो अगला कहता नहीं है कि खान की तस्वीर के साथ तुम आ रहे हो जा रहे हो, अपना आईडी कार्ड तुमने टेक्निकली इसको खराब कर दिया? नहीं क्यों कहेंगे, ये तस्वीर नहीं उतारोगे तुम? नहीं उतारेगा। ये तो मैं कहता हूँ शबाज गिल ले लो, जितने सियासतदान ले लो, जितने मर्जी उनके पॉलिटिशियन के रहनुमा ले लो, इवन के एलिमिन गंडापुर पे ने भी ये काम नहीं किया जो तुम कर गए हो। बस ये हर किसी में हिम्मत नहीं ना होती ना, हर किसी में ये जज्बा नहीं होता, बस एक एक में किसी में अल्लाह पैदा कर देता है, बस अल्लाह ने हमें तौफीक दिया, हमने वो किया। खान से कितनी मोहब्बत है तुम्हें, सच बताओ आज? बस बयान नहीं कर सकते, बेइंतहा मोहब्बत। उसकी दुआ करते हो उसके लिए? हम अफतारी में अपने लिए इतनी दुआ नहीं करते जितने उसके लिए दुआ करते। मैं ये भी नहीं कह सकता आप गलत बयानी कर रहे हो, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ यार, ये हालत तुम्हारी ऐसी क्यों हो गई है? बस दिल तेरा अभी भी खान का नाम लेने पे तेज हो जाता है, जोश आ जाता है, बस जब उसका जब भी इंटरव्यू सुनते हैं ना, अंदर से जज्बात उठ जाते हैं, जोश में आया बंदा कि भाई इस बंदे ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों, क्या वजह क्या बन गई है? ये इस हुकूमत ने हमारे अवाम में इतना खौफ डाल दिया कि छोटा बच्चा जब नारा लगा रहा तो वो छोटे बच्चे को दिक्कत नहीं छोड़ते, उसको जेल में डाल देते हैं। ये अवाम को वो कह रहे कि हम आपका वो साथ देंगे, ये कैसे साथ देंगे? ये तो अवाम में वो नफरत पैदा कर रही है, ऐसे वो साथ देते हैं हुकूमत का, ऐसे वो आवाम के साथ देंगे वो। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब की तस्वीर रखी है इसने, भाई का शौक है, शौक है। तुम इसको अकल की मत देगा कि की कर रहे हैं यार? भाई हर किसी का अपने अपने पसंद की बात होती है। इसका नाम भी नवाज शरीफ है। आपका नाम नवाज शरीफ है जी भाई, लेकिन सपोर्ट खान के नाम बदल रहे हैं। नाम नवाज शरीफ जी, क्यों रखा था बड़ों ने नवाज शरीफ की मोहब्बत? बड़ों का नाम है, दादा का नाम है मोहम्मद शरीफ, पर दादा का नाम है गुल शरीफ। अच्छा, हम जो इस तरफ से आ रहे हैं। तो आपका नाम नवाज शरीफ रखा, तो जो तुम्हारा हम नाम है उसका सपोर्ट करो। अच्छा, राणा सनाउल्ला का एक बयान आया है कि इमरान खान मसला है, जब तक इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में है सियासत या मुल्क बेहतर नहीं हो सकता, मुत्तफिक को इस बयान से? प्यारे भी हम तो और किसी को नहीं जानते, लेकिन खान साहब ये हमारे लिए सारा कुछ, खान ही तुम्हारे लिए सब कुछ, नवाज शरीफ के लिए खान सब कुछ।
नवाज शरीफ खान के साथ है जी जी, नवाज शरीफ के साथ नहीं है, पक्की बात है। ये अवामी राय मार्केट इमरान खान के साथ है। हाँ जी, सारी मार्केट तकरीबन इमरान खान की है, यहाँ पे आप नवाज शरीफ ना वो सवाल ही ना करो। खान मसले का हल है कि मसला है? मसले का हल है, मसला नहीं है। नहीं, मसला नहीं। तो राणा सनाउल्लाह इतना सीजन पॉलिटिशियन, इतना बड़ा सियासतदान, इतना जहांदीदा शख्स, इतना रिनाउंड पॉलिटिशियन, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, जिनकी पॉलिटिकल जिसे कहते हैं स्टेट्समैनशिप, प्रैग्मेटिज्म, यानी जो जिसे कह सकते हैं सियासत का मंबा, अहले सियासत उनकी तो बड़ी सियासत दफन कर दिया ना फैसलाबाद में। वो तो ना शुक्री कौम है, वो कहते हैं फैसलाबाद के लोग, मैं माजरत के साथ, वो कहते हैं उनको कदर ही नहीं, क्या हीरा खो दिया इस दफा उन्होंने, हीरा नहीं, उनको फैसलाबाद वालों ने उनको दफना दिया है। राणा साहब को जी जी, राणा लव नहीं है? नहीं नहीं, राणा बकवास है, लव कहां से आ गया? थोड़ा सा इमरान खान लव है, राणा थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्यों? वैसे बस गद्दार है, चोर है। राणा मुल्क की खिदमत के लिए बीमार हो गया है, शहबाज शरीफ भी बीमार हो गया, मियां साहब जैसे ही आप कह रहे बीमार हो गया है, खत्म हो जाए बिल्कुल, अल्लाह ना करे जान छूट जाए हमारी, अल्लाह ना करे वो थोड़ा उसे आज सियासत से रिजाइन करे, तुम सबसे ज्यादा रोएगा। इधर से तुम प्यार करते हो, अंदर ही अंदर से हम इमरान खान से प्यार करते हैं, हम हर अफ्तारी के टाइम इमरान खान के लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। रोजे में वो करता, हर अफ्तारी में, हर अफ्तारी में करते हैं। क्या दुआ करता है? यही कि अल्लाह पाक इमरान खान को सलामत रखे और खैर खैरियत से बाहर ले आए। राणा के लिए नहीं करता? राणा को हम तो कहते हैं कि खत्म भी हो जाए बिल्कुल। नवाज शरीफ के लिए करता है? नहीं, शहबाज शरीफ के लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान के लिए दिल से दुआ करते हैं। अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के टाइम पे जब दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है उस टाइम हम दुआ अपने लिए क्यों नहीं करता कि अल्लाह तुम्हारे लिए भी करते हैं, सबके लिए करते हैं, इमरान खान के लिए भी खुसूसी दुआ करते हैं। इसके अलावा किस सियासतदान को याद रखते हो इमरान के अलावा? किसी को नहीं, बस इमरान खान को याद रखते हैं और किसी को नहीं, किसी के साथ लिंक ही नहीं है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राणा सनाउल्लाह को जानते होंगे आप? जी जी जी, उन्होंने कहा है कि खान साहब जी जी बिला वालेकुम बाजी, कैसी हैं, खैरियत? मेरी मम्मी बहुत शो देखती है आपका। अच्छा, बहुत शौक से आपका शो देखती हैं जी, बड़े कल भी मैं देख रही थी, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका शो ही मेरी वालदा देखती हैं। मेरी माँ है, इनकी मोहब्बत है, ये समझ लें कि एक विश पूरी हो गई आपको मिलकर। ना ना शर्मिंदा, चांस हुई है लेकिन एक रियलिटी में बता रहा हूँ, इनकी विश पूरी हो गई है जी। नहीं नहीं, आप मेरी माँ है, बस दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, बस दुआ कर दिया। मेहरबानी, थैंक यू जी। तो बात करने कर लो, क्या कोई बात करनी है, कोई पैगाम देना है, दे दें कौम की माओ बहनों बेटियों को? नहीं, बस यही देना है कि महंगाई जरा कम हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, एक राणा सनाउल्लाह का मैं खैर ना ही आपसे पूछूं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान मसला है, मसले का हल नहीं है, तो आप समझ दी कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसाइल की वजह खान साहब है? नहीं, तो खुद यही है राणा सनाउल्लाह। अल्लाह करे, आई होप सो, इंशाल्लाह तब्दीली आनी थी मगर आई नहीं हमारी की वजह से और बाकी मामला की वजह से, लेकिन आई होप सो इंशाल्लाह तब्दीली आए, अल्लाह करे आए। तो भाजी, आपको नहीं लगता राणा सनाउल्लाह माजी खिदमत करना चाह रहे हैं मुल्क की, शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके शबाना रोज? नहीं लगता आपको? नहीं लगता उनका देख के वो खिदमत करेंगे, दिन रात एक करेंगे? अब तो उन्होंने आप ही मरियम को भी कौम की खिदमत में, पंजाब की खिदमत में मामूर कर दिया। आपको लगता है? आपको लगता है?